नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में गुरुवार को सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से ग्रीन फ्लैग दिखाकर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि हल्द्वानी से कुमाऊं गोलापार हेलीपैड से चंपावत पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू की गई है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। हवाई सेवा का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जारी में अभी जिन्होंने सभा को यहाँ पर संबोधित भी किया और बहुत सारी बातें जो लगातार उस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को मुनस्यारी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे हैं, आरणी श्री रुद्र सिंह पंडा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, धन सिंह धामी जी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला श्री सुंदर मेहता जी, मंडल अध्यक्ष मनोहर दरियाल जी, प्रदेश मंत्री एसटी मोर्चा दीपू चुफाल जी, श्री प्रदीप रावत जी एवं सभी जो भी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर, रविशंकर जी जो पूरे हमारे सीईओ इसके पूरी हमारे एविएशन के यहाँ के भारत सरकार के भी और हेली सेवाओं में जो अपना योगदान देने वाले हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिक सभी जगह पर मुनस्यारी पिथौरागढ़ हल्द्वानी चंपावत सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में इससे आज हेली सेवा के शुभारंभ अवसर पर जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज ये चूंकि बहुत जल्दी में अभी चूंकि लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी और हम सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, लेकिन जल्दी सेवा प्रारंभ हो गई। मैं सबसे पहले तो आज इस वर्चुअली माध्यम से आप सब लोगों को इस सेवा के शुभारंभ होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे नागरिक विमानन मंत्री जी का, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये योजना आज हमारी शुरू हो गई है। ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इसे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए इस मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो जीवन देने वाली सेवा है।